नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल खरेजा फार्मिंग में। आज मैं आपको अपने गांव के प्रसिद्ध मंदिर बाबा बल्लभदास जी मंदिर का दर्शन करवाऊंगा, जो कि मालव ब्रज क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यमुना नदी के पास है। ये सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मंदिर परिसर में। ये देखिए मंदिर परिसर में, तो आपको सबसे पहले इस यहाँ से शुरू करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हवन होता है। आप सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, अब दिखाते हैं। यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आ चुके हैं। ये संत महाराज जी के बैठने के लिए और रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई है कुटिया की, और ये मंदिर की गर्भगृह की चोटियाँ हैं। ये मेन मंदिर की चोटी है, ये भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर की चोटी है, जो दोनों चोटियाँ आप देख रहे हैं इस वक्त। ये महाराज जी के रहने की व्यवस्था है, ये अभी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर पेड़ों की संख्या देखिए कितनी ज़्यादा है। ये ऊपर से नज़ारा है मंदिर का, और ये अभी पट्टी नहीं है, इस अभी काम जारी है मंदिर में। चलिए, आप इन पेड़ों को देख रहे हैं, ये वृक्ष काफ़ी पुराने हैं। यहाँ पर तरह तरह के वृक्ष हैं, पीपल बरगद के वृक्षों से ही तो सुंदरता है। तो आपको सबसे पहले हम इस मंदिर का दर्शन कराएंगे, जो कि भगवान शनिदेव का दर्शन मंदिर है, अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है। और ये इस मंदिर परिसर का सबसे पुराना वृक्ष है, जो कि बरगद का है। ये आप पास में ये पीपल का वृक्ष देख रहे हैं। अब मंदिर में सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, ये भोलेनाथ जी के मंदिर का शिखर है। अब चलते हैं हनुमान जी के मंदिर की तरफ, जो कि उनके ठीक सामने है। बोलिए जय बजरंगबली की। ये है, अब आप मेन मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इसमें एक और शिवलिंग स्थापित की गई है, बिल्कुल बीचा बीच में मंदिर के। चलिए इसकी परिक्रमा करते हैं। अब आप मेन मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ये है बाबा बल्लभदास जी का मंदिर। ये शिवलिंग के दर्शन भोले बाबा के। ये है बाबा बल्लभदास का मंदिर, जिनके नाम पर ये मंदिर बना हुआ है। ये रही उनकी मूर्ति, बोलो बल्लभदास बाबा की जय। ये हमारे यहाँ पूजनीय हैं। जब होली के बाद जब मेला लगता है, तो मेले पर यहाँ पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है लोगों की, और इनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब चलिए आपको एक और नज़ारा दिखा देते हैं चारों ओर का। ये देखिए मंदिर परिसर में कितने सुंदर सुंदर और कितने अत्यधिक पेड़ हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अपने जीवन काल में मनुष्य को एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए, पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए। ये मंदिर के पास खेत हैं सरसों के, वो जो आप दिखाई दे रही है वो यमुना नदी है, बिल्कुल पास में ही है। अब की बार बाढ़ से ये मंदिर डूब गया था। ये यहाँ पर सोलर पैनल हैं, इन्हीं के माध्यम से पूरे मंदिर परिसर में बिजली फैलती है, क्योंकि यहाँ पर खादर क्षेत्र है, दूर दूर तक बिजली नहीं है। और चलिए चलते हैं। ये पुरानी इमारतें हैं इसके मंदिर की, इनमें रहने की व्यवस्था है, जो बाबा ठहरते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इनमें ठहरने की है। एक गणेश जी की मूर्ति है, और ये है प्रवेश द्वार, यही निकासी द्वार है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।